आप सभी को मेरा नमस्कार। जब से RBI असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में पता चला है, हमारे से काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। देखो, बहुत ध्यान से सुनना ये वीडियो, क्योंकि हम लोग काफ़ी गलती कर देते हैं जब भी फॉर्म फिलिंग की बात आती है और फिर बाद में पछताते हैं। देखो, अगर आप जिस स्टेट से हो तो मेरा ये मानना है कि पहली कोशिश तो यही करना कि आप उसी स्टेट से फॉर्म फिलिंग करो, क्योंकि उसके काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो आपका एग्जाम सेंटर वहीं आएगा, आपकी पोस्टिंग वहीं होगी, और अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो आप लाइफ टाइम RBI असिस्टेंट बन के वहीं रह सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हो तो अब मैं दो तीन चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। एक तो आपका एग्जाम सेंटर उसी स्टेट में आएगा, जैसे कोई राजस्थान का बंदा है और वो महाराष्ट्र से फॉर्म फिल करता है तो उसका एग्जाम सेंटर वहीं आएगा। दूसरा नुकसान इसके अंदर यह है कि जो इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसको लेके हर साल कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है। इनका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आसान नहीं होता है और काफ़ी सारे बच्चों को इसके अंदर फेल कर दिया जाता है। तो जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनके लिए LPT देना आसान नहीं है। क्यों नहीं है आसान? क्योंकि अब मान लो कोई गुजरात का है या राजस्थान का है या मध्य प्रदेश का है और वो महाराष्ट्र से फॉर्म फिल करता है, तो जाहिर सी बात है कि मराठी जो है उसने नहीं पढ़ रखी होती है। मराठी उसने नहीं पढ़ी है तो उसको LPT देना है। दूसरी चीज़ RBI के अंदर ये है कि अगर मान लो आपने मराठी पढ़ी भी है 10th क्लास में 12th क्लास में तो भी आपको LPT देना पड़ेगा, आप LPT से बच नहीं सकते हो। और इनका जो LPT है वो वैसा नहीं होता है जैसा हमने SBI क्लर्क वगैरह के बारे में सुना है कि आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। LPT के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं। तो अगर आप वहाँ से भरोगे और आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत कम तैयारी करके और वहाँ का LPT क्लियर कर दूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगा दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करने के लिए, अप्लाई करने में बुरी बात नहीं है लेकिन खुद को मेंटली आपको वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा और तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ेगी। मान लो कोई 6 महीने से RBI असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है और उसके दिमाग में क्लियर है कि महाराष्ट्र से वैकेंसी ज़्यादा आती है और मुझे वहीं से फॉर्म फिलिंग करनी है, तो और उसने मराठी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया और एक अच्छे लेवल पे वो आ गया है, तो वो जरूर महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर सकता है। ताकि वो प्रीलिम्स और मेंस जब क्लियर कर लेगा तो उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। लेकिन आप एक नॉर्मल हिंदी स्टेट से हो तो आप इतना जरूर कर सकते हो कि कोई राजस्थान का है तो उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिल कर सकता है अगर वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, या फिर मध्य प्रदेश से फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना कि आपका एग्जाम सेंटर वहीं पे आएगा, जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट में जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर यह है कि पोस्टिंग आपकी वहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आपने उत्तर प्रदेश से एग्जाम क्लियर कर दिया और आपको राजस्थान में पोस्टिंग मिल जाएगी। इनिशियल पोस्टिंग जो आपका एक इनिशियल फेस होता है 3 से 5 साल का, वो एज एन RBI असिस्टेंट आपको वहीं गुजारना पड़ेगा। उसके बाद RBI की जो ट्रांसफर पॉलिसी उसके बारे में यही सुना है कि थोड़ी लीनियंट होती है, उसके बाद आप ट्रांसफर लेके अपने स्टेट में आ सकते हैं और फिर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती है। किसी का मन होता है प्रमोशन लेने का, कोई नहीं लेना चाहता है, तो ये सब बात की बात है। लेकिन इनिशियली जब आप RBI असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि आपको दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।